बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? क्लास फाइव, एज यू नो आपको पता है ना मैं आपकी साइंस की टीचर हूँ, ठीक है? और उम्मीद है आपने प्रीवियस वर्क बहुत अच्छे से किया होगा। और अब हम आगे बात करते हैं, मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है? बुक की तरफ आइए, पहले बुक वर्क बता देती हूँ मैं आपको। ओके स्टूडेंट, पेज नंबर 14 आपने ओपन करना है। सबसे पहले पेज नंबर 14 पर यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ था, जो आई थिंक मैंने क्लास में करवाया था, सबको याद होगा, ठीक है? ये बहुत अच्छे से आपने सॉल्व करना है। इसके अलावा इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, मेज द ऑर्गेनिज्म टू इट्स करेक्टरिस्टिक, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के नेम राइट हुए हैं और उसके यहाँ पर करेक्टर बताए गए हैं कि वो कैसे होते हैं, क्या होता है, उनका क्या फंक्शन है। आपने ये रीड करना है और रीड करके इसको मैच करना है, सिर्फ बुक में ही करना है आपने काम, ठीक है? और इसके अलावा पेज नंबर 15 पर आइए। पेज नंबर 15 पर यहाँ पर नेम्स लिखे हुए थे, आइडेंटिफाई करने तक कि एनिमल्स कौन से, जिसका ये वर्क नहीं हुआ वो कंप्लीट कर लीजिएगा। ये क्लास में करवा चुकी हूँ मैं ये वर्क, ठीक है? आ जाइए डायरी की तरफ, डायरी नोट कर लें, आगे का वर्क समझ लीजिए। स्टूडेंट आपने भी डायरी नोट करेंगे, पहले डू बुक पेज नंबर 14 जो मैंने अभी आपको अभी बताया है वो आपने बंद करना है बुक के ऊपर, प्लस मेक एमसीक्यू स्टैंड, और इसी चैप्टर के चैप्टर नंबर 1 के आपने एमसीक्यूज बनाने हैं, 10 एमसीक्यूज बनाएगा। और बहुत खुली राइटिंग में कीजिएगा, साफ सुथरा वर्क, ठीक है? वन लाइन पे वन लिखकर फिर स्पेस देके ऑप्शन जो होंगे, तीन ऑप्शन, वो न्यू लाइन पे शो कीजिएगा, ठीक है? उसके बाद मेक टाइटल, टाइटल आपने रेडी करना है एमसीक्यूज के बाद। रीड यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 यानी वाटर, ये आपका न्यू यूनिट है, यूनिट नंबर 4, इसका आपने टाइटल बनाना है और इसकी रीडिंग भी करनी है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आपको, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको इसकी ब्रीफिंग करवाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।